नॉर्थ एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये बिजली कहाँ से प्रोवाइड होती है। बिजली का जो घर है वो आपको हम दिखाएंगे बैठ इस ब्लॉग में। जैसे कि देख सकते हैं कि रोड, ये मेन रोड है दोस्तों, इधर से हम आए हैं दोस्तों। और सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे घर दिख रहा होगा, वहीं है। चलिए आपको हम नज़दीक से आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, बैठ रहे इस ब्लॉग में। आप देख रहे हैं कि मेरा साइकिल लगा हुआ है, हम उसी साइकिल से सब तक जाते हैं दोस्तों। और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी हम उसी दूरी तय करके हम ब्लॉगिंग के लिए वहाँ पहुँचते हैं दोस्तों। तो बैठ रहे इस ब्लॉग में। अगर मेरे मेहनत से अगर आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक लिए बाय दोस्तों। फाइनली हम यहाँ पे जो बिजली का जो प्रमुख यहाँ पे सप्लाई होता है वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे। और इसके हम अभी बाहरी कैंपस में और अंदर की तरफ इन करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है, किस तरह का होता है यहाँ पे बिजली सप्लाई होता है और क्या होता है। इसका मेन ऑफिस में चलेंगे, आपको हम दिखाएँगे बाहर इस पर। दोस्तों ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, NBPDCL। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड होता है दोस्तों। ये नॉर्थ बिहार का है दोस्तों, देख सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा कैंपस है दोस्तों। और आपको दिखा दें कि बगल में जो बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अंदर जाने का परमिशन नहीं है दोस्तों, लेकिन अंदर नहीं जा सकते हैं हम, बाहर से ही क्या इसका रिव्यू करा सकते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं कितना मस्त है दोस्तों नज़ारा। और चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं जाने का। देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं दोस्तों। ये इसका क्या कैंपस है और ये यहीं से क्या होता है पूरा बिजली का सप्लाई होता है दोस्तों। देख सकते हैं कितना बड़ा है। और आपको हम जूम करके बताते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं उधर जाना माना है दोस्तों, उधर काम हो रहा है। ये है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये मेन ऑफिस है। अगर आपको कोई तरह की परेशानी है बिजली से संबंधित, कोई भी आपको बिल में कोई भी समस्या हो गया है तो आप इस चैम्बर में आकर यहाँ अपना वो समस्या का समाधान कर सकते हैं दोस्तों। और हम विदा लेते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।